अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एएस फैमिली ब्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं कहीं दूर नहीं, कपड़े डालने ऊपर, और शाम के 5 बजने वाले हैं, लेकिन चेहरे पे 12 बज रहे हैं। मैडम ने देखो काम वाला अपना बना दिया है, ये बाल्टी में कपड़े धो के रखे हुए हैं और चाहती हैं कि मैं इन कपड़ों को ऊपर डाल के आऊँ। नहीं, मैं भी जाऊँगी, सिर्फ बाल्टी उठा के लेके जाने के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये हमारे घर की नौक महारानी क्या हो, नौक राजा। तो कपड़ा डाल दिया है रस्सी में और क्लिप थोड़ा सा खत्म हो गया था, मतलब लगाने कपड़ा ज्यादा हो गया, तो मैंने ओनर के क्लिप थोड़ा सा लगा दिया है। तो इन्होंने बोला है क्यों लगा रही हो, बोला क्या हुआ, शेयरिंग केयरिंग होता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, विनायक के साइकिल के सेल गिर गया तो आयाम लगा रहे हुए। विनायक खेल रही है गेट के पास, विनायक गेट में मत चलो, उतरो। तो आज चाय नहीं कॉफी पियेंगे, मुझे कॉफी इतना पसंद नहीं, हस्बैंड को पसंद है पर कभी कभार चल जाता है। और साथ में लिया है वेफर्स और ये इसे क्या बोलते हैं, पफ राइस मूढ़ी हम लोग हमारा लैंग्वेज में बोलते हैं, यहाँ पे साउथ में पूरी बोलते हैं, पोड़ी बोलते हैं, पोड़ी। हाँ, तो ये खाएंगे अभी। और सरफ लाइट ऑन कर दिया है हमने, टिप टप लाइट, पहले खा लेते नहीं तो ये हजम कर जाएंगे सब कुछ। चॉकलेट फ्लेवर है, बच्चों के जैसे खा ले। मैं बड़ा बच्चा हूँ, क्या नहीं बोला आपने। इनायन बाहर साइकिल चला रहे, उन्हें का साइकिल का चेन गिर गया था, पास में एक अंकल है, मतलब अंकल मतलब उनके लिए अंकल है, हमारे लिए अंकल नहीं है, तो उन्होंने लगा दिया है। तो मजे भी है, हमारे उम्र का ही रहता है, अंकल नहीं है, लड़का ही है, उनका तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। सर भी शादी कहाँ हुई है, इसका पहले हुई है। खोलो, गया ऊपर भी है, जा रहा ऊपर। बबल्स कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा आज ही कल के ब्लॉग्स के साथ आज का ब्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं 12:20, देख सकते हैं। ये गए हैं इनायक को लेने के लिए स्कूल और आयान भी गया है स्कूल, और मैं आज मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ सोया शंख बिरयानी, सोयाबीन होता है ना उसका बिरयानी। तो सोया शंख मैंने यहाँ पे गर्म पानी किया, इसको भिगो के रख दिया है, 15-20 मिनट हो गया है भिगो के, इसको निचोड़ लेंगे। और यहाँ पर मैंने बिरयानी चावल बनाने के लिए यहाँ पर साबुत मसाला, पानी, थोड़ा सा तेल, नमक, ये सब डाल के पानी को बॉईल कर रही हूँ, इसमें चावल धो के रख दिया है। तो फटाफट मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। आप लोगों को हो सकता है कई कई लोगों को मतलब पता है और कई कई लोगों को पता नहीं है, जिनको पता नहीं है तो वो लोग देख के ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। जैसे हम लोग मटन की बिरयानी बनाते हैं तो ऐसे ही थोड़ा लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है, सोया शंख मतलब मुझे लगता है मतलब मटन जैसे ही है, जैसे भी बनाओ, चाहे बिरयानी बनाओ, ग्रेवी बनाओ, फ्राई बनाओ, मुझे ऐसे ही लगता है खाने में। तो हमारे घर में सोया शंख सबको ही पसंद है, ज़्यादातर लोगों को पसंद भी है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं भी है, फिर भी मैं बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी मालूम नहीं तो ट्राई कर सकते हैं मेरी रेसिपी देख के। तो ये पानी अच्छे से उबल चुका है, मैंने इसमें मसाले में डाला था, पानी डाला था, साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, थोड़ा सा साबुत जीरा और नमक थोड़ा सा डाला है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बाद में डालेंगे तो इसलिए नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए। और थोड़ा सा 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाला था ताकि हमारा चावल छिपके ना। तो चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जीरा राइस, आप चाहें तो
और बासमती भी ले सकते हैं। यहाँ पे चावल को हमें 80% पकाना है। उसके बाद मैं दूसरे बर्तन में घी भी ऐड कर रही हूँ, देसी घी, साथ में वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। दोनों को अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के प्याज, स्लाइस में कट कर लिया था, तो उसी को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है दही 250 ग्राम, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, और नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करने के टाइम चावल में भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए स्वाद के हिसाब से आप डालिए, और 1 चुटकी शक्कर, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ सोया शंख, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, इसको अच्छे से हाथ से ही सोक कर लिया है, तो उसको मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था, पर प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई हो गया था, तो आधा मैं प्लेट में निकाल के फ्रीजर में रखूँगी थोड़ा कड़क होने के लिए, आधा ऐसे ही रख रही हूँ, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मीडियम साइज के टमाटर, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ साबुत हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और मैरिनेट किए हुए सोया संग। और एकदम हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है सोया संग को। ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ धनिया और पुदीना। 5 मिनट के लिए मैंने सोया संग को अच्छे से धीमी आंच पे ही भून लिया था। यहाँ पे मैंने चावल को 2 हिस्से में भाग कर लिया था, तो एक हिस्सा मैं अभी ऐड कर रही हूँ जो हमने 80% कुक कर लिया था। फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैंने 2 हिस्से में भाग कर लिया था, धनिया और पुदीना, और ऊपर से वो सेकेंड लेयर का राइस भी ऐड कर रही हूँ, साथ में धनिया, पुदीना और प्याज। 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दूध के साथ केसर कलर ले लिया था मैंने, तो उन दोनों को मिक्स करके ऊपर से डाल दिया है, और एक कॉटन के कपड़ा से इसे ढक के ऊपर कुछ बजंदर चीज रख दूंगी। यहाँ पे मैंने तवा रखा है, तवा के ऊपर मैंने रखा है बिरयानी का बर्तन, और 25 to 30 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे पका लूंगी। और यहाँ पे हमारा सोया संग बिरयानी बन के रेडी है, अच्छे से एकदम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।